अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी खयामत की अदा होती है। शहर हैदराबाद के हर दुल्हा दुल्हन को उनकी हयात नौ के आगाज पर अपनी पुरखलोस मुबारकबाद पेश करते हैं फर्नीचर की दुनिया के मिलनसार बिजनेसमैन जनाब फारूक अशरफ। आला मियार के बेहतरीन फर्नीचर के लिए अब सीधे चले आइए हमारे दो मंजिला वसी और ईस शोरूम पर, और लाखों रुपयों के कीमती फर्नीचर आपके मुंतजिर। सैकड़ों अकसाम के अलग अलग कीमतों के बेशुमार फर्नीचर एक ही मकाम पर, मुलाहिजा फरमाइएगा। खिदमत खल्क के जज्बे से गरीब और यतीम लड़कियों के लिए मजबूत पायदार जहेज का मुकम्मल सेट सिर्फ 8,500 रुपयों में। बजट आपका, पेशकश मलिका की। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने नए फर्नीचर शोरूम पर जनाबे फारूक अशरफ, मलिका फर्नीचर, रूबरू होटल वाल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। मंदिर के चेयरमैन, समाज सेवक, डायनामिक नेता आदरणीय श्री ठाकुर अमर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। 85, 79 और 94 के बाद अगर कोई हमें भाजपा का प्रत्याशी बदम बारेड्डी जी के बाद मिला, वो भाई अमर सिंह जी मिले। भाई अमर सिंह जी कारवान विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। सभी समाजों को लेकर, सभी समाजों को एकजुट कर समाजों की सेवा में निरंतर अपना योगदान देते आ रहे हैं। हमारी इस चुनाव में सबसे कट्टरपंथी जो पार्टी है, जो रजाकारों की परंपरा को लेकर चलने वाली पार्टी है, एमआईएम निजाम सरकार के समय एक अहिंसक संगठन के रूप में काम कर रहे सरकार के विरोध में, उस समय से कासिम रजवी जी जो एमआईएम के संस्थापक सदस्य हैं, उन दिनों से लेकर आज तक एमआईएम पार्टी केवल धर्म के नाम पर हिंदुओं को भड़काने की बात भाषण देते हैं, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप अशब्द कहते हैं। असद उवैसी, अकबरुद्दीन उवैसी, ये दो ऐसे शख्स हैं हैदराबाद शहर में। हाल ही में मीडिया में अकबरुद्दीन उवैसी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू से लेकर केसीआर तक हम जब चाहे तब उनको उस तराजू में तोलकर हमारी सत्ता, हमारी ताकत दिखाते हैं, सभी लोग हमारे पास झुकते हैं। उनको झुकाने की सत्ता हमारे में है, अकबरुद्दीन उवैसी ने मीडिया में, सोशल मीडिया में कहा। केसीआर जी को तो उन्होंने यहां तक कह दिया, हम कहीं भी, कभी भी, कहीं भी 2400 घंटे हम उठो वो तो उठेगा, बैठो वो तो बैठेगा, खाओ वो तो खाएगा, सो जाओ वो तो सो जाएगा। केसीआर मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैं, ये सत्य बात है, किंतु 7 विधानसभा क्षेत्रों के एक छोटी सी पार्टी, हैदराबाद शहर तक सीमित रहने वाली एमआईएम पार्टी मुख्यमंत्री जी को ये शब्द कहते हैं कि हम जब चाहे उन्हें झुका सकते हैं, जब चाहे, जब उनको तकत पे उल्टा लिटा कर, मैं वो शब्द नहीं बताना चाहूंगा, ऐसे शब्दों से संबोधित करते मुख्यमंत्री जी को। इससे ये पता चलता है केसीआर जी एमआईएम को गोद में रखकर बैठी है और उनकी गोद में खुद केसीआर जी बैठे हुए हैं। केसीआर जी को शर्म आनी चाहिए, एक विधायक चंद्रायन गुट्टे का अकबर उवैसी खुलेआम केसीआर को अशब्द कहता है। ऐसे पार्टी के समर्थन में 7 विधानसभा क्षेत्रों में केसीआर जी ने यह 7 सूत्र शब्दों में कह दिया कि हमारा प्रत्याशी टीआरएस का जरूर लड़ेगा, लेकिन एमआईएम को जिताने के लिए, हिंदुओं के वोट काटने के लिए लड़ेगा। अनिल यादव जी नगर सचिव भाजपा, उनसे मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान धारण करें, अपने देवी देवताओं को भी। केसीआर जी तेलंगाना के आंदोलन में केवल आप ही का योगदान नहीं रहा,
भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में विपक्ष की नेता लोकसभा की श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने अपने संबोधन में यह कहा कि आप तेलंगाना के लिए बिल लगाइए और भारतीय जनता पार्टी उस बिल का समर्थन करेगी। सुषमा स्वराज जी के कहने पर, सुषमा स्वराज जी के प्रयासों से तेलंगाना का गठन हुआ। गठन तो तेलंगाना का हो गया, लेकिन सातवां निजाम हमने नहीं देखा, आठवें निजाम के रूप में केसीआर भी हमारे बीच उपस्थित है। 15 अगस्त में मुख्यमंत्री के रूप में गोलमुंडे पे झंडा चढ़ाते हैं, चढ़ाना भी चाहिए, आजादी का दिन है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 17 सितंबर 1948 को तेलंगाना की स्थापना हुई। तेलंगाना के उस स्थापना में, उस आंदोलन में बहुत से युवाओं ने, बुजुर्गों ने, हमारे वीरों ने कुर्बानी दी। लेकिन 17 सितंबर लगभग 4.5 वर्ष हो चुके उनकी सरकार में आए, तेलंगाना तो हासिल कर लिया, विद्यार्थियों ने बलिदान दिया, सरकारी कर्मचारियों ने बलिदान दिया और सभी राजनीतिक दल के लोगों ने योगदान दिया। किंतु 17 सितंबर नहीं मनाते उनको किसका डाले? टीआरएस। ये सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं, टीआरएस एमआईएम को गोद में बिठा रखता है। यही गोद में बिठाए हुए बच्चे आज केसीआर जी को ऐसे शब्द कहते हैं कि केसीआर जी को हम जब चाहे जब झुका सकते हैं, जब चाहे झुकाकर उल्टा तखत पे लिटा सकते हैं। ऐसे शब्द सुनने के बाद भी शर्म आनी चाहिए टीआरएस पार्टी के नेताओं को। अभी तक किसी भी नेता ने एमआईएम के अकबर ओवैसी के उस संबोधन का खंडन नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि एमआईएम पार्टी और टीआरएस पार्टी दोनों की मिली भगत है। आज हमको जागना पड़ेगा हिंदू भाइयों, हमको जागरूक होना पड़ेगा। आज कलबली मची है अभी एमआईएम में। मैंने अभी अभी सुना, यहां आने से पहले कांग्रेस का कोई प्रत्याशी प्रचार कर रहा था यहाँ का गोलकुंडे में, उस पर एमआईएम के लोगों ने हमला कर दिया। नामपल्ली में कांग्रेस का प्रत्याशी प्रचार कर रहा था, वहां पर एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। तो बौखलाहट शुरू हो गई है उनकी, घबराहट हो गई है कि हमारी सीट बचेगी ना बचेगी। मैं इस मंच से बताना चाहता हूं, अमर सिंह भाई तो अधिक से अधिक मतों से जीत ही रहे हैं, केवल मेजॉरिटी हमको चाहिए। मेजॉरिटी, रिकॉर्ड मेजॉरिटी से हमको जिताकर विधानसभा भेजना है। आज देखिए, ये ऊपर बस्ती बहुत पुरानी बस्ती है, आज जितनी भी रोड़े हैं ये बदम वारंटी जी के कर कमलों द्वारा डाली हुई रोड़े हैं। सीवर लाइन की हालत देख लीजिए, लाइट की हालत देख लीजिए, आज मच्छर इतने हैं। आज हमारे इन परिवारों को, माता बहनों को पूछे हम कितने दुखी है। एक वाटर रिजर्वर बदम वारंटी जी के समय पर भोजर गुट्टा में वाटर रिजर्वर का निर्माण बदमा रेड्डी जी ने करवाया। पूरे तेलंगाना क्षेत्र में सबसे बड़ा कोई वाटर रिजर्वर है हमारे कारवान विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन विडंबना यह है, हमारा विधायक ना होने के कारण, हमारा सांसद ना होने के कारण, आज भोजर गुट्टा का पानी कारवान के लोगों के लिए आदरणीय बदमा रेड्डी जी ने रिजर्वर के निर्माण करवाया, लेकिन वो पानी आज पुराने शहर को जा रहा है। कौन हमारे लिए लड़ेगा, कौन हमारी चिंता करेगा? हमें यह विषय सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। चंद्रन गुट्टे की हमारी भाजपा की प्रत्याशी है, महिला है, मुस्लिम समुदाय से आती है। उसको सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करके उस प्रत्याशी को भी एमआईएम के लोग धमका रहे, डरा रहे कि आप चंद्रन गुट्टा छोड़ दो। अकबर जी, आप तो चंद्रन गुट्टा हार ही रहे हैं, कारवान भी आप हार रहे हैं और मलक पेड़ भी आप हार रहे हैं। आपके साथ में से 5 सीटें हम खींच रहे हैं। ये खींचने का कार्य लड़ाई झगड़े से नहीं, मतदान से होगा। हम इतनी मतदान कर दो, इतना मेजॉरिटी दिखा दो कि उनके जमीन के नीचे धरती इतनी गर्म हो जाए कि वो आज पैर रखने के लायक ना रहे। बंधुओं, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच कारवान विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उपस्थित होने वाले, पीछे पदयात्रा चल रही है। मैं ऊपर बस्ती के वासियों से, जहां तक अगर मेरी आवाज उनके तक पहुंच रही है, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं
आप अपना अमूल्य और 7 बजे उठकर सभी काम धंधे छोड़कर 7 बजे पोलिंग के लिए अपने बूथों में जाए और आप तो अपना वोट भाजपा को डाले ही डाले, साथ में एक एक व्यक्ति को 10-10, 12-12 वोट डालने का भी कोशिश आप करें। अपने परिवारों को, अपने बुजुर्गों को, युवाओं को, सबको एकजुट कर जल्द से जल्द जाए। 80-85-90% हमारी पोलिंग होनी चाहिए। अगर जब तक हमारी पोलिंग 100% नहीं होगी तो हमें यहाँ जीतना असंभव हो जाएगा। हमें जीतना, तभी हमें जीत हासिल हो गई, जब ही विजय श्री हमें प्राप्त हुई, जिस दिन भाई अमर सिंह जी को भाजपा का टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज देश का प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप में से, हम में से कोई भी MLA, MP और मंत्री बन सकता है। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद पार्टी, TRS पार्टी परिवारवाद पार्टी, जितने भी पार्टियां हैं आज देश में, सारी पार्टियां महागठबंधन के रूप में सारी पार्टियां एक बस में सवार हो गई। मैंने परसों फेसबुक में एक मैसेज देखा, चाणक्य को कितने लोग जाते हैं, हाथ उठाइए। चाणक्य राजनीतिक के संस्थापक है। चाणक्य जी ने कहा, जब सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो ये मान लीजिए कि देश का राजा ईमानदार है। कौन है देश का राजा? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को केवल हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए सारा महागठबंधन। कभी कांग्रेस और TDP को एक मंच पर देखा है आपने? कभी CPM ने और तृणमूल कांग्रेस ने एक मंच पर देखा है? मायावती समाजवादी पार्टी एक मंच पर आती है, केवल एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को रोका जाए। 2019 में 272 के अलावा 290 सीटें लेकर भाजपा फिर सत्ता में आएगी, हमको ऐसा पूर्ण विश्वास है क्योंकि जनता हमारे साथ है। बंधुओं, कारवार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई अमर सिंह जी, उनको इतना मतदान कर दो, इतने पोलिंग स्टेशन पर जाकर पोलिंग कर दो कि MIM का विधायक तो छोड़ो, असद बाबा भी 2019 में भाजपा के सामने ठहरने के लिए घबराहट हो जाए। मैं 7 तारीख के दिन आपसे बार बार 7 तारीख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7 तारीख के लिए हमारा एग्जाम है, परीक्षा है हमारी सभी हिंदुओं को। आप TRS को वोट डालेंगे तो MIM के खाते में जाएगा, महागठबंधन के कांग्रेस को डालेंगे तो वो भी MIM को हो जाएगा। ये सभी लोग MIM को जिताने के लिए हिंदू क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। आप जाइए, जो हमारे TRS के प्रत्याशी है कारवान के, गोलकुंडा जाइए, टोली चौकी जाइए, केवल हिंदुओं के बस्तियों में घूम रहे हैं। रोज मैं जियागुड़े से आता हूँ, रोज जियागुड़े में घूम रहे हैं। जाइए वहां, जाइए मुस्लिम एरिया में। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोध में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है, ये सबका साथ सबका विकास से उसी के लक्ष्य में काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को कारवान विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष युवा भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर को हाथ से जाने ना दे, 7 तारीख के दिन अधिक से अधिक मतों से भाई अमर सिंह जी को, कारवान विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मेजोरिटी से जिताकर विधानसभा भेजे। इतना कहते हुए मैं श्रीकांत सागर जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य संदेश रखने के लिए समय दिया। बोलो भारत माता की जय। अरे यार, ऐसी आवाज आनी चाहिए दारू सलाम के खिड़कियां दरवाजे हिल जाने चाहिए। भारत भारत माता की जय। भारत माता की जय। असद उवैसी अकबरुद्दीन उवैसी MIM नहीं कहता, ना MIM का ये संकल्प है कि वो भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं गाते। वो गद्दार है इस देश के, उन गद्दारों को उखाड़ने का समय आ गया है। इतना कहते हुए मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इंशाल्लाह देखते देखते हमारे रेजिडेंशियल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल 500 पार करेंगे, 500 का आंकड़ा पार करेंगे। 201 रेजिडेंशियल स्कूल का काम खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि केसीआर का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखले जारी हैं, मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए।